चलो इनको देना अगली बहनों को। मंडूकासन, सशकासन, योग मुद्रासन, ये अभ्यास करने, दस आसन करने। जी स्वामी जी प्रणाम। एक्चुअली अभी आपने यहाँ पे गोधन अर्क रखा था ना, तो मुझे उसको देख के याद आया कि कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले की बात है, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइफॉइड एंड जॉइंडिस हो गया था। तो बहुत ट्रीटमेंट चला, रोज़ इंजेक्शन लगते थे मुझे। सुबह भी मैं कॉलेज जाती थी, सुबह भी पहले इंजेक्शन लगवा के जाती थी, फिर वहाँ से कॉलेज से पहले अपना इंजेक्शन लगवाने जाती थी, उसके बाद घर वापस जाती थी। बट मेरे भाई ने मुझे फ़ोन में उस दिन बताया था कि तू ये गोधन अर्क पीना स्टार्ट कर। और स्वामी जी मैं उस दिन ना जब दिखाने नहीं गई थी डॉक्टर को, मतलब दिखा के वापस आ रही थी, उसने मुझसे बोला गोधन अर्क ले, और मैंने गोधन अर्क बस उस रात को शहद में डाल के पिया था। और दूसरे दिन मुझे बुखार आना बंद हो गया पेट मेरा, मतलब उस दिन से मुझे आप में मतलब उस दिन से विश्वास आ गया था बिल्कुल। एक दिन गोधन अर्क पिया, एक रात को बस। तो वो रात को पिया, बुखार ठीक हो गया, पेट ठीक हो गया, पाचन के लिए बेस्ट है ये गोधन अर्क। थोड़ा शहद के साथ पी लो तो टेस्ट भी अच्छा लगता है, गंध तो थोड़ी आती है, नाक बंद कर लो, गंध कोई आंख से नहीं आती, दिमाग में नहीं आती, पेट में नहीं आती। स्वामी जी मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया था, और मतलब घर वाले भी दिखाते दिखाते 3-4 साल से ना, मतलब जो जो बताता था जड़ी बूटी ये वो, इसको दिखा लो, ये वाले डॉक्टर को दिखा लो। पेट की तो एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है ना, और लीवर की, आंतों की एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। इससे मेरे को बस एक रात में फायदा हुआ था, बस मैं तब से आप पे मतलब बिलीव करती हूँ। मतलब ऐसा हो गया था कि चलो सारे हिंदुस्तान को एक बार गोमूत्र पिला दूंगा, सब मुझ पर विश्वास करने लग जाए। धन्यवाद स्वामी। हाँ। धन्यवाद। ये तो श्वेता की बात हुई, अब इनको दो। हम दोनों बहने हम करो मंडूकासन, योग मुद्रासन करो। हम दोनों को माइल्ड अस्थमा था, हम लिटरली 2-2 बजे रात में उठ के बैठ जाते थे, फिर हमें मम्मी के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ता था ऑक्सीजन के लिए। एंड हमें मतलब 5-6 साल से तो है ही कि बहुत ही सांस का प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा। और ये तो इतना स्टेरॉयड लेती थी, यहाँ पे आने स्टेरॉयड 4-200 लेती थी। मुझे पता भी नहीं था कि वो स्टेरॉयड, में छोटी थी जैसे, अब तो बड़ी, अभी तो 18 ईयर्स है, तो सर्च कर लिया कि गूगल पे क्या होता है, वरना पता ही नहीं था कि 4-200 स्टेरॉयड देना पड़ता था ये। हाँ, जब से पता चला स्टेरॉयड है तब से तो ऐसा छोड़ा है कि अभी तक लिया ही नहीं है। स्टेरॉयड से तो पता है क्या क्या नुकसान होते हैं, वीकनेस हो गया था, चल नहीं पा रही थी, ऐसा हाल हो गया था, हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, इम्यूनिटी खराब हो जाती है। हम दोनों स्टेरॉइड लेते थे तो हम लोग को जल्दी वॉशरूम भी नहीं लगता था, इसलिए हम दोनों को थोड़ा पेट का भी रहता था, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन वीकनेस भी रहता था, चल भी नहीं पाते थे। बट यहाँ पे आके तो एकदम ठीक है हम दोनों। ये तो वैसे जो है बुलबुल की तरह चारों तरफ चहकती रहती है, खुश रहती है एकदम। नहीं तो पेट गड़बड़, अस्थमा, अब योग मत छोड़ना। नहीं।